आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो जनजातीय समाज में जन्मी और जीवन के संघर्षों का सामना करती हुई समाज को बदलने और खासकर जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संघर्ष करती रही और इसी उद्देश्य से उन्होंने समाज सेवा शुरू की। समाज सेवा से राजनीति में आई और अब वो एक संवैधानिक पद पर आसीन है। आज हम आपको मिलवाएंगे भारत की पहली महिला आदिवासी गवर्नर, झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी से, और जानेंगे उनसे उनके संघर्ष के बारे में और क्या सोचती हैं वो कि समाज में किस तरह के बदलाव की जरूरत है जिसमें जनजातीय समाज को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए और उनकी मुश्किलों को कम किया जाए। द्रौपदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जी तेजस्विनी में, और हमारी आज की तेजस्विनी आप ही हैं। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें, आपका जीवन शुरू हुआ उड़ीसा से, जी उड़ीसा के मयूरभंज जिले से। आप गवर्नर हैं झारखंड की। ये जो सफर इतना लंबा रहा, शुरुआत बचपन आपका उड़ीसा में बीता, वहां से किस तरह से जब सफर शुरू हुआ तो सोचा था कि आप यहां तक पहुंचेंगी? मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक गवर्नर बनूंगी, लेकिन इतना ज़रूर मैं सोची थी कि मैं थोड़ा, क्योंकि मेरे जो फैमिली बहुत गरीबी है, गरीबी थोड़ा मैं फाइनेंस सियाली उनको सपोर्ट करूं, इसीलिए थोड़ा पढ़ लिख के ऐसा बन जाऊं कि मुझे थोड़ा नौकरी मिल जाए। लेकिन मैं, मुझे पॉलिटिक्स में जाना, ये गवर्नर बनना, ये मैं कभी सोची नहीं थी। मेरा पढ़ाई गाँव में हुआ। मेरा गांव ओडिशा के मयूरभंज जिला के रिमोट गांव उपरवेड़ा, वहाँ एक से क्लास वन से क्लास सेवन तक तो वहाँ पढ़ाई हुआ। इसके बाद मैंने, आप जानते हैं कि वहाँ के जो मिनिस्टर होते हैं कि MLA होते हैं, बीच बीच में गांव आते हैं। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वहाँ के मिनिस्टर वहाँ गांव आए थे, तो मेरे पिताजी ने बोले कि आप वो ऐसे तो मैं तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा वहाँ जाना, क्योंकि पुअर है वहाँ, उनको बातचीत रहन सहन उनका थोड़ा डिफरेंस है, मैं नहीं जा पाऊँगा। आप जाइए, तुम जाओ और अपना सर्टिफिकेट उनको दे दो। तो वहाँ मीटिंग चल रहे थे, ऐसे ही मीटिंग के बीच में सर्टिफिकेट लेकर के मिनिस्टर के पास में गई और उनको सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि वहाँ IAS ऑफिसर्स थे, IPS थे, बहुत सारे ऑफिसर्स थे। उन्होंने कहा ठीक है, ये बच्ची गांव से आई ही तो आई है, तो थोड़ा उनको भुवनेश्वर हमको मदद करना चाहिए, वहाँ हमको दाखिला करने के लिए उनको मदद करना चाहिए। इसीलिए मैं स्टेल कैपिटल में मैंने पढ़ना शुरू किया, क्लास 8 से मैट्रिक, फिर ग्रेजुएशन तक। तो आप ये उस समय किस क्लास में थी जब आपने उन लोगों के सामने ये कहा कि क्लास 7 क्लास 7 में? जी। तो आपके गांव में ये सुविधाएं नहीं थी कि उसके आगे की पढ़ाई हो सके या आप बेहतर एजुकेशन के लेकिन लिए? सुविधा तो नहीं थी, और फिर थी भी बहुत दूर में, और यहाँ उस टाइम में हम लोग जितने जिस टाइम की बात कर रहे हैं, इतना सुविधा नहीं था। आदिवासियों के लिए आश्रम तो था, लेकिन मेरे पिताजी इतना अवेयर नहीं थे कि वहाँ कैसे एडमिशन किया जाता है, कैसे करने से, किसको बोलने से क्या करना चाहिए, उनको मालूम नहीं था। इसीलिए मुझे गांव में ही पढ़ना पड़ा, और इसके बाद फिर ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, तो फिर बाद में मुझे स्टेट कैपिटल में पढ़ने के मौका मिला। मुर्मू जी, परिवार में और भी भाई बहन होंगे, क्या किसी और में भी इस तरह की इच्छा आपको दिखती थी पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाना, या ये आप में ही अंदर से इच्छा हुई और आपने एक प्रयास किया निकलने का? नहीं, मेरे तो दो भाई और मैं, हम तीन लोग थे, लेकिन मेरा जो पिताजी के माताजी, ये मेरे किसको कहते हैं, नानी, उनका इच्छा था कि तुम पढ़ लिख लो, क्योंकि थोड़ा लेडीज को भी थोड़ा आगे जाना है तुम, क्योंकि वो आदिवासी तो जरूर थी, लेकिन वो चक्रधरपुर से के रहने वाली थी, और हिंदी इंग्लिश भी बीच बीच में बोल देती थी उस टाइम, उस जमाने के। तो उन्होंने कहा कि तुमको पढ़ना है, थोड़ा आगे जाना है।
तो मैंने बोला जरूर मैं पढ़ूंगी, लेकिन कहाँ पढ़ूंगी, नहीं स्टेट कैपिटल में एक ऐसे, मैंने सुना है कि स्टेट कैपिटल में एक गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है, वहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होता है, वहाँ पढ़ने से तुमको बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगा। तो मैंने सोचा जरूर मैं पढ़ूंगी, लेकिन मेरे जो दो भाई वो गाँव में रहे, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था उनके लिए, और गाँव में रहे तो वो थोड़ा जो फ्रेंड्स के सर्कल में वो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं की, गांव में ही उन्होंने रह के मैं ही पढ़ा लिखा। जनजातीय समाज आम समाज से वैसे ही थोड़ा सा कटा हुआ माना जाता है। आप संथाल समाज से हैं, संथाल समाज को जनजातीय समाज में भी थोड़ा प्रोग्रेसिव समझा जाता है। जब आप शहर आए, उसके बाद आपको क्या लगा कि जो जनजातीय समाज है उसमें बदलने के लिए आपको लगा कि कुछ करने की ज़रूरत है? कॉलेज लाइफ के दौरान किस तरह से आप में परिवर्तन हुआ कि आप समाज सेवा की तरफ बढ़ेंगे? देखिए मैं आपको, मैंने पहले बोल चुकी हूँ कि मेरा एक ही मकसद था कि मैं थोड़ा नौकरी कर लूँ और फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दूँ, लेकिन बाद में थोड़ा, मेरा शादी हो गया, शादी के होने के बाद थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम ससुराल में हो गया, मुझे ससुराल वालों ने कंपेल किया कि तुमको नौकरी छोड़ना है, क्योंकि दोनों नौकरी करने से बच्चों के ऊपर खराब प्रभाव पड़ता है, इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ दिया, लेकिन एप्लीकेशन नहीं दी। अभी तक मैं 2000 तक मेरा नौकरी में मेरा लिस्ट था कि ऐसे ही मैं कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, ऐसे ही मैं रह गया। तो इसके बाद फिर गांव में आकर के एक टीचरशिप भी मैंने की, बच्चे जब बढ़ने लगे तो मैंने सोचा कि मेरे पास इतना सरप्लस टाइम है तो थोड़ा कुछ टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करना चाहिए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने एक टीचरशिप शुरू की श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में। मैंने ऑनरारी नौकरी की, जहाँ कोई मैं सैलरी नहीं लेती थी, ऐसे ही मैंने नौकरी की। नौकरी करने के साथ साथ मुझे बहुत सोशल अनुष्ठान से मुझे बुलावा आया कि आपको थोड़ा इसी अनुष्ठान में आपको मेंबर बनना है, थोड़ा हम सोशल वर्क भी करना है। मुझे भी जो वहाँ मेंबरशिप बनी तो मुझे भी लगा कि यस मुझे करना है सोसाइटी के लिए, एजुकेशन का कल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए गांव गांव में घूमती रही। तो वहाँ के पॉलिटिकल लोग मेरे ऊपर थोड़ा उनका, क्योंकि इनको, क्योंकि ये क्षेत्र आदिवासियों के लिए संरक्षित है, संरक्षित, इसीलिए मुझे उन्होंने बोले कि आपको तो पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने से आप जितना लोगों के लिए करना चाहते हैं उससे ज़्यादा आप कर पाएंगे, उनका ज़रूरत का पीने का पानी, बिजली, या सोशल, या कल्चरल, या एजुकेशनल, आप उनको ज़्यादा उनको सपोर्ट दे पाएंगे। जब आप गांव-गांव जा रही थीं, क्या आपको लगा कि उनके बीच की एक महिला जो पढ़ लिख के, एक तरह से नौकरी भी आपने की, उसके बाद आपने छोड़ी और फिर आप समाज सेवा में लगी लोगों के बीच में, तो उनको लगता था कि हमारे बीच से एक महिला निकली बाहर, उसने नौकरी की और फिर अब वापस आके हमारे बीच है, तो कहीं महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस करती थीं आपको देखकर, पहले उनको तो एक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते थे, क्योंकि महिला इतना पढ़े लिखे हैं, फिर वो तो उनके पति देव एक ऑफिसर, बैंक ऑफिसर है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते थे। तो मैंने सोचा नहीं, मैं उनके तरह मुझे बनना है, लेकिन आज जैसे मैं हूँ उस समय भी ऐसे ही थे, साधारण सी ड्रेस में, वो पहले बात नहीं करते थे, मैं पहले बात करती थी, अब कैसा है खाने को दे वो, तो इसीलिए उनको थोड़ा बहुत कंफर्टेबली मुझे मिलते थे, बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि यस आपके जैसा हम लोगों के पैर प्रोत्साहित करने मैंने लगी कि महिलाओं को भी, बच्चियों को भी पढ़ाना है, इसीलिए आज जितने बॉयज़ नहीं जाते स्कूल, आज गर्ल्स बहुत जाते हैं, आज 60-70% गर्ल्स पढ़ते हैं स्कूल में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले जब हम छोटे थे तो महिलाएं मीटिंग वगैरह में, स्कूल में कोई जाते नहीं थे, अभी हम जहाँ जाते हैं तो अब 70% 80% महिलाएं मीटिंग अटेंड करते हैं, सुनते हैं सोशल एजुकेशनल बारे में, उनको भी जानकारी मैंने वो लेते हैं, मुझे बहुत अगर अच्छा लगता है। हम जानेंगे अभी मुर्मू जी से कि किस तरह से उन्होंने समाज सेवा से राजनीति में कदम रखा और राजनीतिक जीवन के क्या उतार चढ़ाव रहे, और पारिवारिक जीवन के राजनीति के साथ किस तरह के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं तेजस्विनी में।
तेजस्विनी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और हमारी आज की तेजस्विनी है झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी। मुर्मू जी का ग्रामीण परिवेश था, पढ़ने की ललक थी, चाह थी, जिसे जिसकी वजह से वो राजधानी भुवनेश्वर में चली आई और वहां से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया, समाज सेवा की शुरुआत की। आइए जानते हैं उनसे किस तरह से समाज सेवा से आगे बढ़ते हुए वह राजनीति में बढ़ी। मुर्मू जी, राजनीति का चुनाव, शादी के बाद मुझे लगता है परिवार भी आगे बढ़ गया था, बच्चे हो गए थे, उसके बाद आपने करा, ये कितना मुश्किल निर्णय था आपकी जिंदगी में जिस समय आपने लिया, और किस चीज़ ने आपको इतना प्रेरित भी किया? मुझे तो बहुत मुश्किल था निर्णय करने के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे थे और राजनीति को उस दौरान अच्छा नज़रिया से नहीं देखा जाता है ज़्यादातर महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ वो राजनीति को मैंने नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को नहीं जाना चाहिए वो सोचते थे। लेकिन मैं जो वहाँ स्कूल में मैं टीचर्स थी, तो टीचर वहाँ के बगल में अपना एक जो मंत्री मुझे जो जिन्होंने मुझे दाखिला दिया, जो पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला दिया, उनकी एक दोस्त रोज़ मुझे मिलते थे। मैं जो स्कूल छुट्टी हो जाता था, द्रौपदी आपने क्या सोचा, मैंने जो आपको जिगर किया था, आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, सोशल वर्क कर रहे हो, थोड़ा फील्ड बहुत विस्तार फील्ड बड़ा फील्ड होगा काम। मैंने बोला नहीं, मैं तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद मेरे पतिदेव को, उन्होंने पतिदेव का थोड़ा वीकनेस पॉलिटिक्स के पर बहुत वीकनेस था, उनको थोड़ा उन्होंने समझाया, तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि महिलाओं को पॉलिटिक्स में मुझे जितना तर पता है, जितने मैंने सुनी है कि ऐसे रात दिन वहाँ काम करना पड़ता है, रात को भी जाना पड़ता है, कभी रात भी टूट करना पड़ता है, वो पुरुष लोगों के साथ जाना पड़ता है, तो ये जो बात आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर मैं जाना चाहूँगी, लेकिन मैं ऐसा काम करना चाहूँ, आप जान मैं जो भी काम लेती थी तो थोड़ा मैं उसको बहुत अच्छे से रहते, काम करने के लिए मुझे बहुत पसंद है, ऐसे खाली मेंबरशिप लेना ये वो करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा जरूर मैं सपोर्ट करूँगा, तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे मैंने फिर मुझे तो तीन ऐसे चार आपने जब सेक्वेंस शुरू करा तो 1997 में आप हाँ नोटिफाइड एरिया काउंसिल काउंसिल में में मैं काउंसिल बतौर काउंसलर का चुनाव काउंसिलर आपने लड़ा। जी पहला काउंसिल, चुनाव किस तरह से आपको लगा कि चुनाव लड़ने के लिए जब आप मैदान में उतरे? क्योंकि मैं क्लीन नीट एंड क्लीन थी और मैं टीचरशिप भी करती थी, इतने गार्डियंस, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाती थी ना उसी सब्जेक्ट में वो ट्यूशन नहीं देते थे, बच्चे ऐसे ही 70-80-90% रखते हैं, सो मुझे गार्डियंस लोग कहते हैं मुर्मू जी आपका सब्जेक्ट में हम वो अपने बच्चों को हम कोचिंग नहीं देते, क्योंकि आप तो इतने अच्छे तरह के, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं सोशल वर्कर भी थी और मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए मुझे आसानी से मुझे वो वहाँ जीत मिल गया। और जीतने के बाद मुझे वाइस चेयरमैन भी वहाँ नोटिफाइड एरिया काउंसिल में बना दिया गया और मुझे कुछ काम दिया गया, ऑथोराइज किया गया, क्योंकि चेयरमैन ऑल इन ऑल होते हैं, मुझे थोड़ा वाइस चेयरमैन के हिसाब से मुझे थोड़ा पावर मुझे दिया गया, तो जिस डिपार्टमेंट का मुझे पावर दिया गया, मैं बहुत सैनिटेशन का मैं बहुत अच्छा, क्योंकि वो सालों से जो काम नहीं हुआ था, मैं वहाँ 15 वार्ड है, मैं 15 वार्ड में घूम घूम के लोगों मैंने काम किया, फिर हर लोग मैंने मैंने पर्सन टू पर्सन मुझे पहचानने लगे, जो लेडीज लोग मुझे नहीं पहचानते थे वो भी मुझे पहचानने लगे, फिर जो 2000 में 97 5 साल का ये तो आप जानते हैं टर्म होता है, लेकिन बीच में मुझे जो जनरल इलेक्शन आ गया मुझे 2000 में टिकट दिया गया, उन्होंने कहा आपको तो लड़ना है, मैंने बोला मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे ये तो काउंसिलर में थी वाइस चेयरमैन थी तो टाउन के अंदर मुझे घूमना पड़ता था, फिर अभी तो मुझे पूरा क्षेत्र में घूमना पड़ेगा तो टाइम नहीं दे पाऊँगी, फिर मुझे थोड़ा मैंने बोला ठीक है चलिए, बच्चे भी बोले ठीक है माँ तुम लड़ना चाहती हो तो लड़ो, तो फिर 2000 में मुझे टिकट दिया गया, मैं जीत भी गई, जीतने मयूरभंज जिले के रायरंगपुर से जी सीट से आपने रायरंगपुर से चुनाव चुना जीता। जीत जीतने के बाद फिर मुझे तो पता नहीं मुझे फिर मुझे मंत्री मंत्री का पद दिया गया,
ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स का। ट्रांसपोर्ट कॉमर्स क्या है, मुझे डिपार्टमेंट के बारे में भी मुझे पता नहीं था। फिर मैं बहुत कोशिश की, क्योंकि आप जानते हैं महिलाओं को थोड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ये महिला है, ये फिर आदिवासी क्षेत्र से आए हैं, क्या कर पाएगा, ऐसे ही देते मुझे। लेकिन मुझे पता नहीं, सबका सपोर्ट मिला, वहाँ भी बहुत अच्छा किया डिपार्टमेंट। मुर्मू जी, अपने इस राजनीतिक जीवन के दौरान आपने, आपको क्या कभी ये लगा कि कुछ जो शौक आपके हैं, जो शौक जैसे समाज सेवा का एक शौक था, इसके अलावा कौन से वो शौक थे जो पीछे छूट गए और जिंदगी राजनीतिक जीवन में इतनी व्यस्त हो गई? पीछे तो छूट गई मेन से थोड़ा, वो जितने रिश्तेदार हैं वो थोड़ा छूट गए थे, लेकिन मैं ऐसे एक महिला हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा इतना बढ़ चढ़ कर बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैं गांव गांव ऐसे कोई गांव नहीं मैं नहीं गई, ऐसे कोई हमलेट नहीं मैं नहीं गई। मैं क्योंकि वो ऐसे नहीं कहे कि ये तो महिला है क्या घूमेगा, ये बात मुझे अच्छा नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट मुझे बहुत, मैंने बहुत, मैं कॉन्शियस हूँ सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान। अब कोई भी ना बोले कि ये नहीं काम कर रहा है, इसीलिए परफेक्ट, मैं परफेक्ट ऑफिस भी जब जाती थी तो परफेक्ट ऑफिस में जाऊँगी बिफोर टाइम, फिर आने का टाइम कोई भी हो लेकिन बिफोर टाइम मुझे जाना है, पहुँचना है। कोई भी मेरे ऊपर कोई उंगली ना दिखाए कि ये ऐसे कर रहा है, लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि ये रिश्तेदार लोग थोड़ा छूट गए। लेकिन मैं रिश्तेदार को भी मिलते रही, और थोड़ा मैं जितना टाइम बच्चों को देना चाहिए था पढ़ाई में इतना नहीं दे पाए, क्योंकि मैं एकदम लग गई कि मुझे अपना मान सम्मान ये और सोशल गांव के, मैंने गांव को सुधारना, गांव को बदलना है, गांव को बदलना, इसीलिए थोड़ा। लेकिन मेरे फैमिली का सपोर्ट मुझे मिलता रहा, बच्चे भी और मेरे पतिदेव बहुत सपोर्ट करते रहे। राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन महिलाओं के लिए थोड़ा सा चुनौती भरा हो जाता है, दोनों को एक साथ चलाना, क्योंकि राजनीति भी आपका ज़्यादा वक्त मांगती है और परिवार भी। इस दौर में किस तरह के, मतलब संकट भी सामने आए, कैसे दोनों चीज़ों के लिए आपने समय निकाला परिवार से? मंत्री बनने के बाद, MLA बनने का, थोड़ा मुझे मेरे रिश्तेदार बहुत से, मेरे जो मेरे एक भाई है, भाभी है, उनका बच्चा नहीं, उनको मैंने बुला लिया, मेरे माँ को भी बुला लिया, माँ आओ यहीं रहो, उनका भी फाइनेंशियल कंडीशन इतना नहीं था, उन्होंने भी आ गया। मैंने उनका भी घर भी नहीं था, घर भी बनवा दिया, ज़मीन नहीं था, क्योंकि उन वो एक उनका कोई ज़मीन के अलावा, खेती के अलावा और कुछ चीज़ उनको उनको पता ही नहीं, और बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्यों, पढ़ाई लिखाई नहीं, इसीलिए ज़मीन खरीद दी, उनको घर बनवा दिया, और तुम खेती करो और अच्छा घर में रहो। और जो माँ को और मेरे एक भाई भाभी को बुला लिया, बस उन्होंने मुझे मदद की। आज जब मुड़ के ऊपर बाड़ा को देखती हैं, जहाँ से आप निकली, आपने गांव छोड़ा क्योंकि पढ़ाई अच्छी नहीं थी और आप शहर में पढ़ना चाहती थी, आज आपको लगता है किस तरह की तब्दीली पिछले 40-50 साल में जनजातीय समाज के लिए हुई है, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बदलाव आए हैं? थोड़ा बहुत तो बदलाव हुआ है, आज जनजाति समान पढ़ने लगे, उनके सोशली थोड़ा आगे बढ़ने लगे, गांव का आज कच्चा रास्ता था, आज पक्का रास्ता हो गया, वहाँ ट्यूबवेल जो पानी पीने को मिला, फिर आज इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, थोड़ा बहुत तो बदलाव आया है उनका नज़रिया, वो भी रहन सहन अच्छा होना चाहिए, उनका जो ड्रेस थोड़ा अच्छा पहनने लगे, तो क्योंकि ये बाहर दुनिया का प्रभाव उनके ऊपर थोड़ा पड़ने लगे, उनको बच्चों को अच्छा स्कूल में दाखिला मैंने वो देते हैं, कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा। महिलाएं जब राजनीति में आती हैं, और जब आप राजनीति में, आपने कहा कि दो बार जब आपने मंत्री पद संभाले तो लोगों को ये लगता था कि एक तो महिला और फिर आदिवासी महिला कितना काम कर पाएंगी, क्या पर क्या करेंगी, लेकिन आपने अपने काम से अपना नाम किया और आपको बेस्ट MLA का अवार्ड भी मिला। क्या आपको लगता है महिलाएं जब काम करती हैं तो क्या वहाँ के काम करने के माहौल में परिवर्तन आता है, बदलता है माहौल, महिलाओं के प्रति लोगों की सोच में बदलाव होता है,
इसलिए महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलना, राजनीति में भी आना, समाज में काम करने की जरूरत है। जरूर, क्योंकि मैं कहते हैं कि नहीं, महिला भी ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे महल, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि राजनीति को अच्छा नज़रिए से नहीं देखा जाता। जो मैं राजनीति में आई, अरे वो कर पाती है, वो तो इतने अच्छे हैं, इतने पुरुष लोगों के साथ वो मिलती है, फिर भी वो तो अच्छा है, उनका नाम करते हैं, गांव गांव लोग उनको अच्छा कहते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे लोगों के साथ रहते हुए भी हमने अपने आप को हम प्रूव कर पाएंगे। इसीलिए आज महिलाएं भी अब इलेक्शन भी लड़ते हैं। आज पंचायत राज को ओडिशा में 50% महिला के लिए वो आरक्षित कर दिया, आरक्षित रिजर्वेशन कर किया। रिजर्वेशन कर दिया गया। वो अभी फिर वो महिलाएं भी अभी अभी कंपटीशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यस, हमको भी कंपटीशन में हमको भाग लेना है। पहले स्पोर्ट्स गांव गांव में होता था, अभी भी हो रहा है। पहले महिलाएं स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेते थे, अभी महिलाएं आगे आते हैं। जो महिलाएं शादीशुदा है वो भी कंपटीशन में भाग लेते हैं, रान में भी, वो कोई भी इवेंट में वो भाग लेते हैं, एथलेटिक्स में क्योंकि किसी इवेंट एथलेट में में कोई भी, क्योंकि वो कहते हैं नहीं, कोई भी बुराई नहीं, कोई भी बुराई नहीं, ये तो इतने अच्छा काम कर लेता है, लेती है, घर का काम, सोसाइटी के काम, पॉलिटिकल काम, सब काम कर लेते, हम क्यों नहीं काम कर पाए। इसलिए वो थोड़ा मौजूदा समय में तो आप एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जीवन में अभी आगे और क्या करना चाहती हैं आप, जो अधूरा आपको लगता हो समाज के लिए भी? समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ, जुनून होना चाहिए, अपने आप में कभी भी छोटा नहीं महसूस करना चाहिए कि ये महिला है, ये पुरुष है, क्योंकि सबके अंदर पोटेंशियलिटीज है। पोटेंशियलिटीज को भी मौका देना चाहिए, आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर किसी ना किसी विशेषताएं हैं। उसी विशेषताओं को लोगों के अगर समाज को देना है, समाज के लिए, समाज आज भी हम कहते हैं कि आदिवासियों में, ओडिशा में संथाल प्रोग्रेसिव है, लेकिन इतना भी प्रोग्रेसिव नहीं है कि वो दूसरों के साथ कॉम्पीट कर पाए। इसीलिए और भी थोड़ा, अभी हम अभी भी फाउंडेशन स्टेज में है, आगे जाने के लिए महिला को और पुरुष को दोनों को आगे आना होगा। जैसे परिवार चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है, देश को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए भी, और अपने परिवार, अपने बच्चों को भी पालने के लिए दोनों का सहभागिता जरूरी है। इसीलिए इसके लिए जुनून होना चाहिए, इसके लिए कभी भी अपने आप को इन्फीरियर नहीं महसूस करना चाहिए। ये समाज को तो कोई भी ऐसे तो कठिनाई तो ऐसे नहीं है कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज, ये कभी भी, क्योंकि कठिनाई तो आएगा, कठिनाई तो कोई भी सुख या दुख ये ठहरने वाला नहीं, और जरूर ये पास आउट होंगे, लेकिन इसी के बीच हमको रहना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ने से ही, हम खुद नहीं आगे बढ़े तो कोई भी पीछे से, कोई भी हम लोगों को कोई पुश नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोगों को इसलिए इच्छा शक्ति को थोड़ा मजबूत करना है आगे बढ़ने के लिए। मैं यही कहना है, बहुत सारे मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे कठिनाई आई है, मैं तो बोलना, क्योंकि नेगेटिव बात को मैं थोड़ा बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं इतने संघर्ष से आई हूँ, शायद किसी के जीवन में, मैं भगवान भगवान को प्रार्थना करती हूँ मेरे जैसा कठिनाई किसी के जीवन में न आए, लेकिन वो कोशिश करते रहे कि वो आगे बढ़े, कि आपकी जिंदगी का कठिनाइयाँ नाम। लोगों के लिए प्रेरणा होंगी। मुर्मू जी, अगर आप जिक्र करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि वो भी महिलाओं को प्रेरणा देगी। हम जो बाहर से दिखते हैं, लेकिन अंदर कितना संघर्ष करके हम खड़े होते हैं, ये भी मुझे लगता है महिलाओं को के लिए एक ऊर्जा होगी। जो 2009 में अपना इलेक्शन में हार गई, तो इसके बाद मैंने सोचा कि मैं गांव जाऊं, अपने बेटों को मैंने बोला तुम यहीं पे स्टेट कैपिटल में तुम पढ़ाई करो, मुझे गांव जाना है, क्योंकि गांव में काम करना है, क्योंकि आप तो अभी पढ़ाई कर रहे हो, कोई नौकरी तो नहीं कर रहे, अभी मेरे पास तो मैं कोई सरप्लस मनी नहीं है, जितने अभी पेंशन मिलेगा उसी उसी से हमको गुजारा करना पड़ेगा। इसीलिए मैं गांव गई, तो मैंने मेरे बच्चे भुवनेश्वर में, मैंने एक दिन मैंने सुना कि बच्चा सुबह नहीं है, चले गए, शरीर छोड़ दिया।
तो क्या हुआ मुझे पता नहीं, तो मैं थोड़ा टूट गई। मैंने सोचा अरे क्या हुआ ये जिंदगी, मुझे मैंने सोचा कि कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा अब थोड़ा शांत हुई, उसके बाद फिर आप डिप्रेशन समाज में से चले गए, जुड़े। जी डिप्रेशन में सब सोचे कि ये शायद नहीं रहेगी, ये मर जाएगी। लेकिन मैंने सोचा मुझे जीना है, तो कुछ लोग तो है, लोग मुझे मेरे पास आए, अरे लाखों लोग आपके बेटे, एक बेटा चला गया तो क्या हुआ, हम लोग हैं। तो इसके बाद मुझे बहुत संगठन का काम दायित्व तो मुझे दिया गया। उन्होंने कहा आपको जाना है गांव गांव जाना है, समाज आपको मैंने वेट कर रहा है, वो गांव जाना है लोगों के लिए काम करना है। फिर मैं थोड़ा 2-3 महीने के बाद मैंने सोचा थोड़ा मुझे रिलीजियन के दिशा में मुझे जाना है, मुझे तपस्या थोड़ा करना है, माइंड्स को थोड़ा सेट करना है, इसीलिए मैं ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया। दिन रात मैंने थोड़ा मेडिटेशन करते रहे, माइंड को थोड़ा सेट कर लिया, फिर गांव गांव घूमे, फिर इसके बाद फिर गांव में फिर प्रवचन भी मैं करने देने लगी गांव गांव में, कि कैसे रहना है लाइफ में, कैसे ये बदलाव लेना चाहिए। तो जितना नेगेटिविटी है अपने पास, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, फिर इतने नशे थोड़ा, वो तो एडिक्टेड आदिवासियों का अंदर थोड़ा है ऐसे, तो इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, परिवार को आगे लेना है, और थोड़ा मैंने करने लगे। फिर दूसरे फिर 2013 में दूसरा बेटा चला गया, और मेरे दोस्तों के साथ ओ कहाँ, तो एक्सीडेंट में उनका भी देहांत हो गया। तो फिर मेरा पतिदेव पर डिप्रेशन में चला गया, पतिदेव का 2014 में पतिदेव का देहांत हो गया, मेरे माँ का देहांत हो गया, मेरे छोटा भाई का देहांत हो गया। तो जीवन को बहुत संघर्षों से, उतार चढ़ाव से निकलते हुए फिर आप समाज के साथ जुड़ी और आपने अपने जीवन को पूरी तरीके से समाज के लिए समर्पित कर दिया। मुर्मू जी, जीवन के इन तमाम संघर्षों से आप उबरती हुई, अपने आप को आपने समाज के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया और समाज सेवा में लग गई। मुर्मू जी समाज की उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं जो संघर्ष से थक जाती हैं, डर जाती हैं और थम जाती हैं। मुर्मू जी प्रेरणा हैं उन महिलाओं के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं और बस एक हिम्मत की कमी है, वो हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। सलाम है हमें समाज की ऐसी तेजस्विनियों पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्मू जी दूरदर्शन से बात करने के लिए। शुक्रिया।